तो कभी आपने कच्चे तोरी को खौलते हुए तेल में डाला है? अगर नहीं डाला है तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा ज़रूर वॉच कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी मैं तोरी की बनाने वाली हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है तोरी। तो तोरी हमें कोई भी नहीं लेनी है, जो बिल्कुल नाजुक वाली पतली वाली तोरियाँ होती हैं, बिल्कुल हमारे अंगूठे के बराबर, बस वही तोरियाँ हमें बिल्कुल पतली और नाजुक तोरियाँ लेनी है। तो सबसे पहले हम तोरियों के दोनों साइड से थोड़े थोड़ा कट कर देंगे, जो उसका आगे पीछे का हिस्सा होता है। तो बिल्कुल नाजुक और पतली ही तोरियाँ लेनी है, इसके छिलके हमें नहीं उतारने हैं। तो बिना छिलके उतारे हम दोनों साइडों को कट करके रख लेंगे। फिर इसको अच्छे से धो करके कपड़े से हमें पोंछ लेना है। पोंछने के बाद इसके बीच में हम थोड़ा थोड़ा चाकू के साथ इस तरीके से थोड़ा सा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब हमें लेने हैं थोड़े से सूखे मसाले। तो मसालों में मैंने एक चम्मच सूखा धनिया, साथ में आधा चम्मच जीरा, तीन लाल वाली मिर्च, थोड़ा सा लिया है मीठी सौंफ, तो आधा चम्मच मीठी सौंफ भी है। अब एक कढ़ाई को हम गैस पे रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इन मसालों को हमें रोस्ट कर लेना है। जब मसालों से हल्का सा बिल्कुल सौंधा सौंधा खुशबू आने लगे, फिर हमें इन मसालों को निकाल लेना है। तो ये मसाले बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको 1 से 2 मिनट आप रोस्ट कीजिए, इतने में ये रोस्ट हो जाते हैं। अब जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसको हमें डालना है एक मिक्सी जार में और इसको बढ़िया से हमें दरदरा सा पीस लेना है। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा पीस चुका है। अब डालेंगे इसमें हम 4 से 5 कली लहसुन, और लहसुन को भी डाल के मसालों को फिर से पीस लेना है। तो जब हमारे मसाले तैयार हो जाएंगे, फिर हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे तेल। तो तेल को अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, और तेल थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे। तो सारी तोरियों को हमें गर्म तेल में डाल देना है, और जो गैस की फ्लेम रहेगी बिल्कुल हाई रहेगी, लो फ्लेम हमें या मीडियम नहीं चाहिए, बिल्कुल हाई फ्लेम पे। इसको 2 से 3 मिनट लगेगा हमको फ्राई करने में। तो ये जो तोरी है ये फूटेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके दोनों साइडों को हमने काट दिया है, साथ में बीच में चीरा भी लगा दिया है, तो ये फूटने वाला नहीं है। बहुत ही अच्छे से 2-3 मिनट में कुक हो जाता है, अच्छे से फ्राई हो जाता है। 2-3 मिनट के बाद हम इसको तेल से निकाल लेंगे, क्योंकि इतने देर में ये तोरियाँ अच्छे से पक जाती हैं और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाता है। सारी तोरियों को निकाल के मैंने एक प्लेट में रख लिया है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पहले ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम बीच से बिल्कुल इस तरीके से हम एक चीरा लगा देंगे, जैसे हम बैंगन भरवा बनाते हैं तो चीरा लगाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें भी तोरियों के बीच में चीरा लगा देना है। तो ये देखिए बहुत आसानी से चीरा लग जाता है। चीरा लगाने के बाद अब जो हमने सूखे मसाले पीसे हुए हैं, इसको आधा चम्मच लेंगे और इसके बीच में हम चम्मच की हेल्प से या हाथ की सहायता से अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके हम भर देंगे। तो एक तोरी के लिए आधा चम्मच मसाला बिल्कुल पर्याप्त रहेगा, उससे ज़्यादा मसाला हमें इसके अंदर नहीं भरना है। आप देख रहे हैं मसाला काफ़ी अच्छे से भरा जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को स्किप कर सकती हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारे तोरी के अंदर मसाले को डाल लिया है। तो जिस कढ़ाई में मैंने तोरी को फ्राई किया था, सेम वही कढ़ाई है, तेल को निकाल लिया है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच नीचे तेल बचे हुए हैं। अब जो तोरी को भर करके रखा है, सिर्फ इस तरीके से हम सारे तोरी को अच्छे से रख देंगे, इसमें बिछा देना है। बिछाने के बाद इसको हम ढक करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 मिनट तक रखेंगे। 1 मिनट के बाद फिर से इसको हमें पलट देना है मसाले के साइड से, ताकि जो मसाले हमने तोरी के अंदर भर के रखे हैं वो अच्छे से कुक हो जाएँ और तोरी में अच्छे से मसाले जो है मिल जाएं। तो 1 मिनट के लिए फिर से हम इसको ढक देंगे, साथ में हम थोड़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज को काट के बिल्कुल मोटा मोटा, साथ में 6 से 7 कली लहसुन, थोड़ा सा अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च। अब बिना पानी के हम इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसी बाउल में हम लेंगे 2 कटे हुए टमाटर, तो 2 बड़े बड़े कटे हुए टमाटर लेना है, इसका भी हमें बढ़िया सा पेस्ट तैयार करके रख लेना है। तो दोनों चीज़ों का पेस्ट हम तैयार कर लिए हैं। अब इधर हम देखते हैं तो हमारी तोरी बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। आप देख सकते हैं जले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल हमने लो रखा था। तो आपको भी बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। अब जितनी भी तोरी है उनको निकाल के एक प्लेट में हम रख लेंगे। फिर सेम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो तेल जैसे अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा पचफूरन, लाल मिर्ची और तेज़पत्ता डालेंगे, इसको अच्छे से चटकने देंगे।
चटकने के बाद जो हमने प्याज का पेस्ट तैयार किया था उसको डाल करके इसको 2-3 मिनट तक बढ़िया से भूनेंगे, ताकि जो भी प्याज का कच्चापन है अच्छे से निकल जाए, अच्छे से हमारा पेस्ट भून जाए। तो ये लीजिए, पेस्ट जो है भून चुका है। अब इसमें हम पिसी हुई टमाटर को डाल देंगे। तो टमाटर को डालने के बाद इसको भी अच्छे से हमें भून लेना है, सारे पेस्ट को बहुत अच्छे से भूनना है। साथ में हम डाल देंगे नमक, तो नमक भी डाल करके इसको चला लेना है, और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। तो इधर मैंने लिया है 1/2 कटोरी दही, साथ में हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च लिया है, 1/2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। तो सारे मसालों को दही के अंदर फेंट लिया है। तो चलिए हम देखते हैं, टमाटर का पेस्ट हमारा पक चुका है। तो ये देखिए, जब ऊपर से पेस्ट के तेल दिखने लगे तो समझे पेस्ट बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दही का मिला हुआ मसाला। तो सारे पेस्ट को डालने के बाद इसको मिला देना है, मिला करके इसको हमें अच्छे से पकाना है। तो मसालों को पकाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर हमारे मसाले अच्छे से नहीं पकेंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने 1 से 1.5 मिनट ढक के रखा बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो मसाला अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक पानी। तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए। ये देखिए, मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब इसको ढक करके हम उबलने देंगे। तो ये देखिए, सब ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ चुका है, ग्रेवी अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वैसे ये ऑप्शनल है तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। अब जितने भी हमने तोरी को फ्राई करके रखा है उसको ग्रेवी के अंदर डाल देना है, इसको काटना नहीं है, सीधे सीधे डालेंगे तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, साथ में खाने में तो बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। तोरी डालने के बाद अब इसको फिर से हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 मिनट के बाद फिर से हम गैस को बंद कर देंगे, उससे ज़्यादा हमें नहीं उबालना है, नहीं तो जो तोरी में हमने मसाले डाले हैं वो मसाले बिल्कुल निकल के बाहर आ जाएंगे। तो बस इसको 1 उबाल खा लेना है, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। ये लीजिए, हमारी भरवा तोरी की मसाले वाली सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, देखने में बेशक ना अच्छा लगे लेकिन एक बार आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।